नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैट विद रावत ब्रदर्स पर। मैं नवनीत रावत, केमिस्ट्री लेक्चरर एंड टेक्निकल अचीवर इन आरसीएम बिजनेस। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रताप सिंह रावत और बहुत दिनों के बाद हम दोनों एक साथ दोबारा मिले और मैं टेक्निकल अचीवर आपके सामने हम दोनों एक कुछ बातें शेयर करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी क्योंकि जिस चीज के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो बड़ी मजेदार है, क्योंकि अभी हमारी काउंसलिंग हुई थी सुनील शर्मा सर के साथ और उन्होंने बताया था कि कंपनी की बहुत बड़ी तैयारियां हैं, बहुत सारी अचीवमेंट टीम में आने वाली हैं और आप लोगों को पता भी होगा कि किस अचीवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, किस तैयारी के बारे में हम बात कर रहे हैं। हर बार कंपनी का साल का एक टारगेट मंथ होता है जिसमें पूरी टीम की बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स पर उनकी जो पिन होती है वो अचीव होती है, तो उसी के ऊपर आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। जब से मैंने सुना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो सितंबर जो मंथ है वो कब आए और कब वो अचीवमेंट में अपनी टीम में जो धुरंधर जो लीडर है मेरे उनकी अचीवमेंट को मैं देखूं और वो किस तरह से अपने लेवल को अचीव करें। जी सर, बहुत शानदार सर ने बताया, वाकई बहुत एक्साइटेड है हम दोनों साथी और टीम भी पूरी एक्साइटेड है हमारी। हमने टीम से भी बात की, सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं सितंबर के मंथ को लेके और बड़ी बड़ी तैयारियां हैं सर उन लोगों की, और जो लीडर्स हैं वो अपनी पिन लेवल को बढ़ाना चाहते हैं और उनकी तैयारी स्टार्ट भी हो चुकी है और कैसे काम करना है इस चीज पे वो हम बातें शेयर करेंगे। आपको बस लास्ट तक जुड़े रहना है हमारे साथ और बहुत कुछ आपको सुनने को और समझने को मिलने वाला है सर। अब सितंबर में हम लोगों को किस तरह की तैयारी करनी है, किस तरह से हमको अपने जो लीडर्स हैं न्यू लीडर्स किस तरह से क्रिएट करने हैं, क्योंकि कई बार हम लोग बड़े असमर्थ हो जाते हैं इस चीज को लेकर के कि हम नए लीडर कैसे क्रिएट करें, न्यू अचीवमेंट्स कैसे लेकर के आए, वो सारी चीजें आज हम आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि मान के चलो जो सितंबर मंथ आ रहा है उसमें सबसे पहले तो हमको जो अपना 90% जो बिजनेस होता है वो कब तक मतलब सेट कर देना चाहिए जिससे कि पूरी टीम अपने अचीवमेंट्स को जल्दी हासिल कर सके। बिल्कुल सर ने बहुत ही शानदार बातचीत रखी है, क्वेश्चन रखा है सर ने रखा है कि हमें अपना कितना बिजनेस कब तक। जी सर, देखो सर सितंबर टारगेट मंथ है तो शुरुआत की तारीख को ही अगर हम अपना बिजनेस बहुत ज्यादा कर लेते हैं तो हमें आगे जाके मतलब अपना टारगेट हम रिमूव इम्प्रूव भी कर सकते हैं, आगे जाके हम अपने कितना करना है और बहुत बड़ी बात हो जाएगी सर अगर हम अपने टारगेट को एक तारीख को कम से कम 50% कर लें। जी, अगर हम 50% कर लेते हैं तो 10 तारीख तक आपका और टारगेट आगे बढ़ सकता है, आपका हो सकता है 70% 10 तारीख तक हो जाए। जी और 20 तारीख तक का आप और डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इतना करना है। मैं तो कह रहा हूँ 25 तारीख तक अगर आप इस तरह करते हैं तो 100% टारगेट 25 तक पूरा हो जाएगा। जी, और आपको टेंशन नहीं रहेगी कि लास्ट तक कैसे करें। जी सर, तो एक तारीख का आपको डिसीजन रखना है और एक तारीख को 50% बिजनेस एक तारीख को ही करना है आपका जो भी टारगेट है। जी, अगर स्टार का टारगेट है तो लगभग 1.5 लाख बिजनेस फोलियो आपको एक को आ जाना चाहिए। जी तो इस तरह से अगर करेंगे तो हमें आसानी रहेगी। जी, और सर एक बात ये भी आती है कि अब हम मतलब एक सिलेक्शन करेंगे टीम में लीडरों का कि किस लीडर की कौन सी अचीवमेंट लेके आनी है। बहुत सारे लीडर हैं जिनकी रॉयल्टी को हमको अचीव मतलब न्यू रॉयल्टी अचीवर्स उस टीम में बनाने हैं, स्टार अचीवर्स बनाने हैं, तो उसके लिए हम क्या करें सर, आप अपने अनुभव से बताइए सर। बहुत बढ़िया बात है सर कि नए अचीवर्स को बनाना है तो कैसे अचीवर्स को बनाए। देखो सर, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताऊंगा, हमारे सिलेक्शन से बात नहीं बनने वाली। जी, अगर वो लीडर खुद ये सोचता है कि मैं इस पिन के लायक हूं, मुझे यहां पहुंचना है। जी, तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। जी, अगर उस हिसाब से वो वर्क करे। प्रॉब्लम क्या होती है सर, अगर लोगों से बोले तो लोग क्या बोलते हैं कि हम बिजी हैं, काम में बिजी हैं, बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। जी, लेकिन वो वर्क कर कैसे रहे हैं, ये एक सिस्टम से करने की जरूरत है। जी सर, सिस्टम है हमारे यहाँ तो अपलाइन है, सीडीज हैं, अपना बुक्स हैं और कोर्स टेप अपने हैं, 8 कोर्स टेप अपने 6 बेसिक्स हैं, पूरा सिस्टम है सर। और सिस्टम से अगर कंपनी की बहुत सारी ट्रेनिंग्स आती हैं, सिस्टम से काम करें तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकल सकते हैं। जी, क्योंकि क्या है कि एक आदमी तो 4 घंटे वर्क कर रहा है लेकिन रिजल्ट्स लेके आ रहा है, एक आदमी 8 घंटे वर्क कर रहा है लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे, और फिर वो कह रहा है जी सर मैं तो कर रहा हूँ। भाई साहब, अगर पिन अचीव करनी है, मान लो स्टार की पिन की मैं बात करूं, आपको स्टार की पिन अचीव करनी है
तो उसमें सीधा सा फंडा है सर कि 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। अब कंपनी ये थोड़ी बोलेगी तूने 8 घंटे काम किए हैं चल भैया तुझे स्टार बना देते हैं, इससे तो कोई मतलब नहीं है सर। जी। आपको 3.5 लाख करना ही है जी। आप 1 घंटे काम करें या पूरे 24 घंटे वर्क करें, रिजल्ट 3.5 लाख पे आने चाहिए जी। तो आपको ये सब अचीवमेंट आ जाएगी। लेकिन वो आएगी कैसे जी? उसका भी एक आपको जैसे मान लो एक 100 किलो की बोरी है जी, 100 किलो वजन है और वो हमें एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना है जी। तो अकेला मैं लेके जाऊंगा तो थोड़ा सा मतलब मैं ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता उस वजन को, क्योंकि वो ज्यादा वजन है। और उसी 100 किलो वजन को मैं 10-10 किलो के टुकड़ों में बांट दूं जी, तो मैं ज्यादा दूरी तक वो ले जा सकता हूं और आसानी से वो ले जाऊंगा मैं जी। तो ऐसे ही ये 3.5 लाख को ना आपको नीचे के जो लोग हैं उनमें टारगेट्स को बांटना होगा सर। बिगनर किसे बनाना है, लर्नर किसे बनाना है, ईगल किसे बनाना है, इस तरह से आप बांटेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा सर जी। इस तरह से टारगेट तक आप पहुंच सकते। मतलब आपने बताया कि टीम के अंदर स्टार, अगर हम इस टीम में मतलब मैं बात करूं कि स्टार अचीवर बनाने हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमको डेप्थ में जाना होगा और डेप्थ में कम से कम बिगनर्स बहुत ज्यादा बनाने पड़ेंगे, लर्नर, ओपनर, ईगल रनर, ये मतलब पूरा का पूरा जो है यही हमारे पिलर है। अगर जितने बिगनर्स टीम में बनेंगे सेप्टेम्बर में उतना ज्यादा बिजनेस हमारा प्लस में रहेगा। तो सर बहुत आपने बहुत अच्छा बताया है। अगर सर हमको मान के चलो जो आपने बताया कि स्टार अचीवर के लिए 1.5 लाख 1 तारीख को हो जाना चाहिए सर, इसके लिए हमको मतलब 1 तारीख में कितने लीडर हमें ऐसे सेट करें कि जिनसे वो हमारा बिजनेस एकदम से आ जाए जी? हाँ, इन लीडरों को सर हम ये टारगेट देते हैं वो 1 तारीख को वो सारी चीज अचीवमेंट करवा सके। सर आपने बहुत बढ़िया बात बोली और पहले क्वेश्चन में एक बात और भी थी कि नए लीडर्स को पिन अचीव कर जी, है, तो कैसे जी? मैं बात कर रहा हूँ, मान लो अभी कोई लीडर जुड़ा है हमारे साथ, इसी महीने जुलाई के मंथ में कोई लीडर जुड़ता है जी, तो सितंबर में भी स्टार बन सकता है जी सर। तो कैसे बन सकता है उसका भी एक तरीका है सर। देखो ये बिजनेस है ना, ये समझने वाली बात है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है जी। तो नेटवर्क मार्केटिंग को भी थोड़ा सा तोड़ लें हम, नेटवर्क प्लस मार्केटिंग जी, जी दो काम है सर इसमें जी। नेटवर्क मतलब लोगों को जोड़ना है जी, यहाँ भीड़ इकट्ठी करनी है सर जी, जी। तो पहले तो लोगों को जोड़ना पड़ेगा, टीम बनानी है सर, टीम बनानी पड़ेगी आपको, कोई भी पिन अचीव करनी है तो टीम बनानी है सर जी, जी, जी। दूसरा एक काम और है सर, मार्केटिंग यानी कि सेल भी करनी है, सेल भी करनी है। हाँ, मार्केटिंग का मतलब तो यही है सर जी, तो थोड़ी सी सेल करनी, ये नहीं कि यहाँ सेल्समैन ही है हम बिल्कुल, तो थोड़ी सी सेल करनी है, ये तो नाम में ही छुपा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग जी। तो नेटवर्क में क्या है कि आपको जैसे जुलाई मंथ चल रहा है, मैं हम जो बात कर रहे हैं लगभग 25 तारीख है आज, तो 5 दिन अभी बचे हुए हैं हमारे यहाँ, तो 5 दिन में भी अगर आदमी काम करने के जुनून में है, जोश में है और काम करने की इच्छा है जी, तो ज्यादा भी मैं ना कहूँ तो 5 ज्वाइनिंग तो निकाल सकता है जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो साथी इस महीने में 5 ज्वाइनिंग निकाल दे और अगले महीने में वो 5 साथी मिलके 25 ज्वाइनिंग निकाल दे जी सर, और सितंबर महीने में वो 25 साथी मिलके जी मतलब नई 25 ज्वाइनिंग भी निकाल दे, तो मैंने 25 को मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने 25 को सिर्फ डबल ही किया जी, जी। यानी कि 50 साथी वो हो जाते हैं और वो 50 साथी जी मिलके काम करें, और ये तो नेटवर्क का काम हो गया जी। अगर वो थोड़ी सी मार्केटिंग वाली बात करें यानी कि 10,000 बिजनेस वॉल्यूम भी एक साथी करें जी, तो 50 साथी हैं तो 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है बड़ी आसानी। लेकिन एक चीज और भी है सर कि लोग समझदार है कि सब काम नहीं करते, सब काम नहीं करते, ये भी क्लियर है सर जी। लेकिन 30 लोग 50 में से 30 तो करेंगे सर जी, अगर 30 भी 50 में से करते हैं और 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं वो और एक ही तारीख को कर देते हैं जी, तो 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है जी, जी, जी। और 3 लाख और फिर बचा कितना सर, पूरा महीना बचा हो 50,000 बिजनेस वॉल्यूम तो बड़े आराम से हो जाएगी। लेकिन और भी कम कर दें सर, 20 लोग तो 10,000 कर ही लेंगे सर जी, तो 2 लाख का अगर आ जाता है ना 1 तारीख को तो बड़े आसानी से सर वो 2 लाख, जैसे ही 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम होगा तो किसी के नीचे तो 1 लाख होगा, किसी के नीचे 1.5 लाख होगा, किसी के नीचे 70,000 होगा, तो उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं सर आप अपनी बी साइड में थोड़ा सा बिजनेस और करिए, बी साइड में अगर आप 1-15 करते हैं तो ऐसे बढ़ते 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 बहुत आसानी से उस स्टार के लेवल पे पहुंच जाएगा जी सर। बहुत बढ़िया आपने सर बताया, और जैसा कि हमको लग रहा है सर कि सितंबर में कंपनी की बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी टीम की भी एक बहुत अच्छी से तैयारी बने और वो अपने टीम में जो लीडर्स हैं उनको क्रिएट करें, और वो लीडर तभी क्रिएट हो सकते हैं जब हम उनके साथ वर्क करें जी। जी जी सर बहुत बढ़िया आपने बताया। सर एक चीज और बताइए मुझे जी सर, कि सर इसमें मान के चलो आपने बताया कि 10-10 हजार बिजनेस वॉल्यूम अगर हम एक बंदे से कराते हैं जी सर, तो बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिन्हें रॉयल्टी अपने
8% की रॉयल्टी पर जाना है, बहुत ऐसे 6% रॉयल्टी पर भी जाना है, और बहुत सारे लीडर ये भी सोच रहे हैं कि हमको टेक्निकल भी अचीवमेंट हासिल करनी है, तो सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर देखो सर, सबसे बड़ी बात मैंने पहले बताई थी, ये वॉल्यूम का खेल है सर। जी जी, अगर किसी के पास टीम है जी और लीडर्स हैं जी, तो कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। जी सर, और जो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जी, मैंने एक सीडी सुनी थी सर, एक हमारे बहुत ही शानदार लीडर हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, मिस्टर रवि ओपी शर्मा जी। जी जी, तो उन्होंने बताया था सर, अगर हम 500 बिजनेस वॉल्यूम भी पर डे नहीं कर रहे तो हम क्या कर रहे हैं? जी जी, 500 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब है सर पूरे महीने में 15,000 बिजनेस वॉल्यूम। तो सर बड़े बड़े लीडर्स तो 15,000 की बात कर रहे हैं, मैंने तो 10,000 की बात की। जी जी, और अब 10,000 पे आप अपना, जैसे आपकी टीम है, आपने बोला कि 8% रॉयल्टी जाना है, तो सर एक एक स्टार बना दीजिए। जी, तो 3.5 लाख एक साइड में, 3.5 लाख एक साइड में, 35 लोग एक साइड में हो और 35 लोग एक साइड में हो, तो बड़े आराम से हो जाता है सर। जी जी जी, बस आपको एक लिखित में डाटा होना चाहिए सर आपके पास कि कितने साथी मेरे ये 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करने वाले हैं, कितने साथी 1 तारीख को करने वाले हैं। जी जी, ये अगर डाटा होगा तो आप बड़े आराम से अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे सर। जी, जी, और ये ना जुनून का बिजनेस है, जोश का बिजनेस है, आपको अपनी टीम में माहौल बनाने की जरूरत है सर। जी, अगर आपने माहौल बना दिया पूरा टीम जोश में आ जाएगी सर, और अगर लोग जोश में आ जाते हैं ना सर, तो कुछ भी करना मुश्किल नहीं है, सब आसान है सर। जी सर, और ये 10,000 बिजनेस वाले तो कुछ है ही नहीं, अभी 3 महीने हैं सर, सितंबर अगस्त और जुलाई, मैंने वापस गिने हैं सर, सितंबर में करना है, तो अगस्त भी पूरा है, सितंबर भी पूरा है सर, और जुलाई चली हुई है। जी, और मैं 5 दिन की अगर बात करूं तो आप ना 5 दिन में ज्यादा कुछ नहीं करना, डेली 500 बिजनेस वॉल्यूम करें, तो सर 2,500-3,000 तो इसी महीने में हो जाता है। जी, वो कच्चे बिल पे रख लो। जी, और अगले महीने भी 3,000 कर दे, और उससे अगले महीने भी 3,000 कर ले एक्स्ट्रा। जी, ये एक्स्ट्रा कर रहा है सर, जो आप कर रहे हैं ना उससे अलग करना, अलग करना है। तो कच्चे बिल पे अगर आप 3,000-3,000 करते हैं, 10,000 तो वैसे हो जाएगा सर, इतना टाइम है। जी सर, जी सर, मैंने उन लोगों को देखा है सर जो एक दिन में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम कर देते हैं, अगर कर नहीं पाए तो कर ले। मुझे याद है सर, हमारा एक लीडर था, था नहीं है, जी जी जी, अपना भगत सिंह जी हैं, उन्होंने एक एक दिन में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम किया है सर। जी सर, और ज्योति शर्मा जी हैं, उन्होंने डॉक्टर साहब के साथ, हमारे डॉक्टर लखनलाल जी ग्रेट अपलाइन में हैं, जी सर के साथ मिलके थोड़ा सा वर्क किया था, और 3 से 4 दिन में 25,000 बिजनेस वॉल्यूम कर दिया। जी, और मुझे वो टाइम याद है सर, एक लीडर है शर्मिला जी हैं, डॉक्टर हैं, 70,000 बिजनेस वॉल्यूम किया था सर एक ही महीने में। जी, जी, जी। और एक और बहुत शानदार लीडर सर जी, जो इस महीने चैलेंज कर चुके हैं, मेरी उनसे बातचीत हुई जी, वो इसी महीने सितंबर में, जी जी, मैं ये नहीं बताऊंगा सर वो कितना करेंगे जी, उनका एक चैलेंज ये रहा है, वो तो खुद ही बताएंगे, बहुत जल्दी वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम पेश करेंगे सर को। जी जी, उन्होंने बताया है सर पूरी टाइगर टीम में जी सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम उनका रहने वाला है जी, मिस्टर रमन लाल जी। अरे क्या बात, बहुत शानदार लीडर है सर वो हमारे जी, जी। तो बहुत सर, जब लोग 1-1 लाख 1.5 लाख करने वाले हैं जी, तो हम तो बात ही 10,000 पे कर रहे हैं। 10,000 कर रहे हैं जी सर। स्टार डायमंड की तो मैंने बात ही नहीं की जी, स्टार डायमंड 25,000, भाई साहब 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करने कोई कठिन नहीं आज के टाइम में। जी, हमारे जी, पास इतने सारे सप्लीमेंट हैं सर जी, जी, हमारे पास गुड डॉट के प्रोडक्ट हैं, कीसोल के इतने शानदार प्रोडक्ट हैं सर जी, जी, मैंने अभी बात की एक जगह, जो हमारे कीसोल के प्रोडक्ट हैं जी, मतलब क्वालिटी वाइज बेस्ट हैं और रेट वाइज भी सस्ते हैं सर। जी सर, क्योंकि जैसी क्वालिटी हमारी है ना सर, ऐसी क्वालिटी के प्रोडक्ट मार्केट में लोग 800 की रेंज में ले रहे हैं, हमारे 250 के आ रहे हैं सर। जी सर, इतने शानदार और सस्ते प्रोडक्ट है, और बिजनेस वॉल्यूम की बात कर सर 75% है। जी सर, तो लोगों को बस बताने की जरूरत है, लोग जैसे उनको पता चलेगा यार इतने शानदार प्रोडक्ट है, तो बहुत जल्दी बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होगा सर। जी, जी, तो आसान है सर सभी टारगेट्स। जी, और कंपनी का आपने बोला ना, कंपनी के क्या टारगेट है सर, कंपनी की बहुत बड़ी तैयारी है। जी सर, कंपनी ने बहुत सारे ऑफर दिए हैं अपने, ये न्यूट्री चार्ज की मैं बात करूं जी, तो इस पे भी एक ऑफर चला हुआ सर, कंपनी गाड़ी दे रही है जिन लोगों के पास गाड़ी नहीं है ना सर, उनके लिए ऑफर है, ऑफर जिन लोगों का सपना है कि जो गाड़ी है वो कहीं ना कहीं से आए, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। बिल्कुल, क्योंकि गाड़ी बांट रही है कंपनी, तो बहुत सारे ऑफर है सर कंपनी के, आप यूएस चैनल पे देखते रहो जी, बहुत शानदार है, बस मजा आने वाला है सर, सितंबर का बस वेट है सर, गजब हो जाएगा। जी 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 सर, आपने सर बहुत अच्छे से बताया है, और आपने जो बताया मेन जो उसमें रोल रहेगा वो रहेगा, अगर हम अपने लीडर्स को लिख लें कि कौन 1 तारीख को क्या क्या जो बिजनेस दे रहा, मतलब सारा का सारा जो डाटा है वो हमारे पास लिखित में होना चाहिए जी, तभी हम उनसे अपने जो अचीवमेंट्स हैं, उन लीडरों को जो अचीवमेंट देने हैं वो सभी हासिल हो सकते हैं। बिल्कुल जी सर, बहुत बढ़िया आपने सर बताया। लेकिन सर मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये सब कैसे होगा, इसके लिए ना एक अपलायन, ग्रेट अपलायन की जरूरत होती है जी सर, और
हमारी अप्लाई तो बड़ी ग्रेट है सर जी, जी। कि हमें इस लायक बना दिया उन्होंने, हमारे टारगेट बहुत शानदार दिए हैं सर जी, जी। टेक्निकल के बड़े बड़े टारगेट्स हैं हमारे दोनों साथियों के जी। और मैं आपको बता रहा हूँ एक अभी अगली वीडियो जो आएगी ना सर, वो अपलाइन पे लेके हम बातचीत करेंगे आपसे जी, जी। और बस थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, बहुत जल्दी मिलते हैं सर, बहुत जल्दी मिलते हैं। और सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और ये जो वीडियो जो बनी है सर टीम में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लेके आने वाली है, और जितना हो सके अगर आप इस वीडियो को जितना प्रमोट करोगे उतनी अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं प्रमोट करने की अब हमारी आदत हो चुकी है, क्योंकि अब हम कहीं ना कहीं प्रोडक्ट मतलब प्रमोट करते हैं जी, और जी। ये वीडियो भी आपको प्रमोट करनी है। बहुत अच्छा लगा सर, इसी के साथ नमस्कार, जय आशीष।